outsourcing and World Trade Organization. First, outsourcing. Outsourcing refers to contracting out some of its activity to a third party which were earlier performed by the organization. Means, company अपनी कुछ activities को खुद ना करते हुए third party से करवाएं. Outsourcing सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो पाया है. रिसेंट टाइम्स में फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ग्रोथ की वजह से आउटसोर्सिंग ज्यादा से ज्यादा कंपनीज अडॉप्ट कर पा रही हैं। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपनी एक्टिविटीज को आउटसोर्स करने के लिए इंडिया को चुना, क्योंकि उन्हें इंडिया में स्किल्ड वर्कर्स लो वेजेस पर मिल जाते हैं. नाउ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पहले GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एक ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1948 में एस्टैब्लिश हुई थी 23 मेंबर कंट्रीज के साथ. ये एक लीगल एग्रीमेंट था बहुत सारी कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए और ट्रेड बैरियर्स हटाने के लिए. लेकिन ये एग्रीमेंट सिर्फ गुड्स की ट्रेड के लिए था, इसलिए 1955 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गई जो कि एक सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है GATT की, जो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ट्रेड को भी कवर करती है. प्रेजेंट में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 कंट्रीज मेंबर हैं, जिनको WTO के लॉज और पॉलिसीज फॉलो करना पड़ता है. लेट्स स्टडी सम मेजर फंक्शंस ऑफ WTO. फर्स्ट, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ as well as non-tariff barriers. Second, to enlarge production and trade of services. To ensure optimum utilization of world resources. Fourth, to protect the environment. Now, one question. Should India be a member of WTO? कुछ scholars के हिसाब से India जैसी developing country को World Trade Organization का part नहीं होना चाहिए, क्योंकि developed countries पहले से ही grow होती हैं, जिससे वो ज्यादा ट्रेड कर पाती हैं और अपना मार्केट जल्दी एक्सपेंड कर लेती हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज को अपना मार्केट ओपन करना पड़ता है उनके लिए. डेवलपिंग कंट्रीज इतनी कैपेबल नहीं होती हैं कि वो डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट में खुद को एक्सपेंड कर सकें. एज अ रिजल्ट, हाई बेनिफिट्स टू डेवलप्ड कंट्रीज एंड लो बेनिफिट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज. नाउ कमेंट डाउन द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग MCQ. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe.